हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो अभी चाय वगैरह पी लिया है हमने और अब जा रही मैं मंडी। तो यहाँ मेरी मम्मी है, यहाँ मेरी बहन वगैरह सब आई हुई है, यहाँ पे मेरे जीजू है। तो देख सकते हो यहाँ पे भाग गया है, वीडियो के सामने आना पसंद नहीं करते। ये आरो ही है, मम्मी है या मेरी बाहर से। तो चलो अब जाते हैं आज हम जयपुर की मंडी और यहाँ पे कल जी। तो अब जा रहे हैं मंडी। तो सुबह हो गई है तो ब्रेकफास्ट यहाँ हो चुका हमारा। तो अब जा रहे हैं हम मंडी। तो चलो, तो अब हम घर से निकल चुके हैं मंडी के लिए और वहाँ पे मेरी बहन की आ चुकी है। तो अभी जा रहे हैं हम मंडी। यहाँ का रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम ना फर्स्ट टाइम में आए हैं इस रास्ते से, तो हम लोगों को मालूम नहीं है ये रास्ता। तो वैसे भी ये रास्ता अच्छा नहीं है। तो चाय पीते हुए गर्मा गर्म सब्जी मंडी में मिर्ची इतने सारे थैला भर के सब्जी ले लिया मायने, और ये चाय ये गर्मा गर्म। ये सारे सामान आ गए, दीदी लग गए, ये कैरी खा रही है कट्टी कट्टी, गुंजन बाल सुखा रही है, वो माए किचन में काम कर रही है। क्या बात कर रहे हो? बाय 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 बाय। हे एवरीवन, तो आ गए हैं मेरी बहन के घर। यहाँ पे आज है पूजा और ये काला मुझे देख रहा है बार बार क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है। तो मैंने लगा लिया है अपने बिग, क्योंकि वैसे मेरे बाल तो है ही नहीं, तो मैंने बिग लगा लिया है। और मैं कैसे लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जय, ये मेरी बहन है जिसको हम प्यार से रोज बोलते हैं। रोज का मतलब नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं रोज का मीनिंग भी बताऊंगी। और आज हम करने वाले हैं सत्यनारायण भगवान की कथा, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बने रहिए। तो एवरीवन, मैंने अपने हेयर निकाल दिए हैं और यहाँ देख सकते हो मैं कितनी क्यूटी क्यूटी। हेलो, तो यहाँ पे ये जो कालू है जो मुझे गुस्से से देखा था पर मैंने इग्नोर मार देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी मम्मी है जो आज पता नहीं क्यों इतनी गोरी दिख रही है, मुझे नहीं मालूम, मैं भी बहुत गोरी दिख रही। ये मेरे भाई अश्वनी है, ये भी बहुत गोरा दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम ये क्यों सब लोग अरे गोरा पड़ को नक से चला जाएगा। अरे जीजी भी हमारी बिल्कुल काली है, रात को मैं तो बहुत गोरी दिख रही थी भाई आज। अच्छा अभी मेरे ब्लॉग में आपको मैं वो अरे ज्यादा जय श्री राम। ये आज कथा कराने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा। और ये सिलाई मशीन है, ये कपड़ा है और ये माँ ही सिलाई कर रही है। मजा आया ना? रख दो। मजा आया ना? मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो बॉय, एक मिनट ऐसे रहना ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटी पार्लर से निकल के 10 दिन हो गए, तो आज ऐसी शक्ल हो गई है। तो यहाँ हमारी पूजा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बना रहे हैं सात्या स्वास्तिक, हमारी लैंग्वेज में सात्या भी बोलते हैं। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया था मैंने जब सात्या बोला, तो इनकी लैंग्वेज में बोल दिया स्वास्तिक। ये बना रहे हम देख सकते हो गणेश जी।
ये गणेश जी हैं। मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है और ये पंडित जी हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पंडित पूजा कराने वाले आप यही आजकल सब कहें चमक से इसको मैं बड़े पंडित जी छोटे पंडित जी तो देख सकते हो यहाँ पे पूजा चल रही है चलने की तैयारी हो रही है और पंडित जी बार बार यहाँ देख रहे हैं इधर इधर क्या हुआ जी मेरी बहन है यही पूजा करवा रही है तो अब नहीं रो या कहना हर रंडो या तो ये ना एक्चुअली गाली भी दे देती है मैं कोई वो सब वो भी कौन करूंगी तो चलता है गाँव में तो सब कुछ ऐसा बोला जाता है कि शुभ माना जाता है ऐसे बोलने से यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है सत्यनारायण भगवान जी बैठ चुके हैं और यहाँ मेरी बहन है जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं तो ये भी भगवान का कुछ वीडियो निकाल रहे हैं तो यहाँ देख सकते हो पहली बार मैं सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठी हूँ वैसे नॉर्मली मेरे घर में होती है तो बैठती हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया है कार्यक्रम तो यहाँ पे मैं आज गई थी समथिंग 4 बजे में आ गई थी फिर काम वगैरह किया तो टाइम हो गया है तो यहाँ देख सकते हो दीपक वगैरह और पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं भगवान तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छी बात होती है और मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत ज्ञान मिलता है सत्यनारायण भगवान की कथा से हमारे जो भी बुरे वक्त चल रहे हैं वो भी अच्छे होते हैं भगवान की दया से तो हर एक किसी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी ही चाहिए ये मेरा मानना है और घर में भी शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए तो यहाँ स्टार्ट हो चुका है तो जल वगैरह दे दिया है हाथों में यहाँ देख सकते हो आप और पीने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान की अभी पूजा कर रहे हैं तो वो पंडित जी सब लोगों को दे रहे थे और पंडित जी कोई यहाँ मुझे भी दिए हैं यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मेरी मम्मी लोग और मेरे भाई सब लोग बैठे हैं तो अच्छा लगा सब लोगों के मिल के करते हैं तो चलो अच्छा लगता है फैमिली के साथ होते हैं तो और भी अच्छा लगता है तो यहाँ देख सकते हो मैं भी राजस्थान आई हुई हूँ तो आप लोगों को तो पता ही होगा मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो अभी राजस्थान आई हुई हूँ तो यहाँ पे कथा में बैठ गए हैं और मम्मी लोग भी आए हुए हैं क्योंकि मम्मी की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मम्मी भी आई थे यहाँ पे और बच्चों की तो वैसे ही छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो बच्चे भी आए हुए हैं तो सब लोग एक ही साथ है तो सोचा क्यों ना फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए तो इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा भी लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि अच्छा वीडियो है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट्स कर सकते हो इसमें कोई वो नहीं है भाई ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले ना कि भाई अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो पूजा की तैयारी यहाँ पूजा कर रहे हैं तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।